इसमें फाइंड आउट आरएमएस वैल्यू ऑफ सेमी सर्कुलर करंट वेव व्हिच इज हैज मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू स्मॉल ए। सेमी सर्कुलर करंट वेव है, आपको उसकी आरएमएस वैल्यू निकालना। अब इंटरवल दे ही नहीं रखा तो क्या समझेंगे हम कि जिस इंटरवल में वैल्यू आ रही है यहाँ से यहाँ तक पूरा इंटरवल पूछ रहा होगा, नहीं तो देता है जीरो से ए तक निकाल लो कि माइनस ए से ए तक निकाल लो, अब क्या करें तो नहीं दे रहा था। तो हम यही समझेंगे कि जितना इसने प्लॉट दिखा रखा है उस पूरे इंटरवल का एवरेज या आरएमएस में इसको बता देता है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये इक्वेशन लिखनी आ रही है कि इसकी सेमी सर्कल है तो बताओ माइनस ए है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आई क्या होगा, बताओ ऐसे लिख पा रहे हो आपकी दिक्कत आ रही है आपको? सर्कल की इक्वेशन, सर्कल पढ़ लिया क्या आप लोग? कब पढ़ते हो आप सर्कल? 11 में पढ़ते हो सर? 11th में फेस 2। हाँ, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना? यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपका वाई इसमें क्या आई है और एक्स क्या टी है, तो लिख दो आप एक सर्कल की इक्वेशन। ठीक है बेटा, सर्कल की इक्वेशन लिखिए, आप समझे इस बात को। ठीक है अरियन, क्लियर है आपको? सर्कल की इक्वेशन ही लिखी है मैंने और कुछ नहीं किया है। जब सेमी सर्कल है तो मैंने माइनस हटा दिया बस बेटा, देख रहे हो आप कोई एरिया थोड़ी निकाल रहा हूँ मैं, आधे सर्कल का आधा हो जाएगा। एक्स और वाई का वेरिएशन का फॉर्म है ना रूपाली, बताइए। हाँ, ये एरिया थोड़ी निकाल रहा हूँ बेटा, तो इक्वेशन वही रहेगा बस। इसमें क्या किया मैंने, क्योंकि आधा सर्कल नहीं है तो ये पॉजिटिव लिख दिया मैंने, प्लस माइनस नहीं करा इसको। क्लियर है आपको? इक्वेशन तो यहाँ पर एक्स वाई की वेरिएशन की वही रहेगी ना। तो आई कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आ गया। तो आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू का मतलब है माइनस ए से आई स्क्वायर डी टी अपॉन टोटल इंटरवेल। टोटल इंटरवेल कितना है, टाइम का 2a। देखो ऐसे ही करते हैं, एवरेज निकाल रहा हूँ मतलब वही फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन एक्स वन एक्स टू वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स वन एक्स टू वाई डी एक्स अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट एवरेज फॉर एनी इंटरवल। ठीक है, तो आपको निकालना है माइनस ए से ए तक के बीच की एवरेज वैल्यू। ठीक है, माइनस ए से ए तक की एवरेज वैल्यू लिखनी है, तो आई की नहीं लिखनी है बेसिकली, आई स्क्वायर। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे डी टी आ जाएगा। इंटरवेल माइनस ए से कितना इंटरवेल हो गया है, ए से माइनस ए के बीच 2 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस इसको। ठीक है, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस ए टू ए। ठीक है, तो आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, 2a स्क्वायर बाई 3 आ गई। तो आर एम एस वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ले देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, रूट टू बाई थ्री इंटू ए, आर एम एस वैल्यू, सीधा सा हिसाब है। ठीक है, तो वैभव ने निकाल लिया था, ये देखो सही निकाल लिया था वैभव। एक सेमी सर्कुलर करंट वेव है, इसकी आर एम एस वैल्यू पूछी थी आपने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख दिया। ठीक है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन आपने पढ़ी थी और उस वजह से आपका उस इंटरवेल का आपने एवरेज निकाल लिया और उसका आई स्क्वायर का और उसका फिर आपने रूट लिया। बहुत सिंपल प्रोसेस है अंश, बताइए कोई डाउट आपको अब तक किसी भी बात को लेकर? अंश आ रही है आवाज आपको? यस सर। ओके बेटा।